पंजाब ले रहे हैं हाईवे पर सावधानी पूर्वक ये फुलरी से सिकंदराव पे हो रहा था मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम हाथरस जिले में। किसकी सवारी क्या था? ये एक विश्व सागर जी महाराज है उनकी सवारी, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं उनके सामने नहीं हुआ, वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए, वो निकल गए, उनके जाने के बाद हुआ हादसा। हाँ क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए। नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए, कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ 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 कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं। आपको बता दें जो आंकड़ा है वो तो 100 से भी ज्यादा है। दरअसल इस हादसे से पहले की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस हादसे से पहले हुआ क्या था। दरअसल सत्संग चल रहा था, बाबा बोल रहे थे, लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ थी लोगों की, और जब बाबा निकलने लगे तभी ये भगदड़ मची। हादसे से पहले की ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। भगदड़ मची थी, ये बाबा सत्संग करने के लिए आए थे गांव मुगलड़ी पर, और जैसे ही बाबा गए तो उनके पीछे उनके चरण छूने के लिए, उनकी मिट्टी लेने के लिए भगदड़ मची। फिर आदमी एकदम बेकाबू हो गया, एक दूसरे के ऊपर फिसलन हो गई, तो ये इसी वजह से हादसा हुआ यहाँ पे। व्यवस्था सब कहूँ अच्छी थी, रहती रहे, मुल अब तीन पता नहीं क्या हुआ, जो कुछ गड़बड़ाई गई कि आदमी इधर उधर ज़्यादा रहे, उधर चहला रहे, यह के वजह से आदमी खलिया लेना, वो आदमी जब औरतें खलियानी और गर्मी में ज़्यादा परेशान नहीं आदमी, और जब खलियानी तो इधर से आदमी के ठोकर लगी तो मतलब उन पे चढ़ गए, आदमी चढ़ गए तो वो मर गए। आपने सब देखा ये? हाँ आपने सब देखा था ये? हाँ हम बगल में थार थे, वहाँ हम भीड़ में नहीं, हम भाग लिया, हम भी अपना जान बचाकर भागे।